हमें चाहिए लड़का एकदम ऋतिक रोशन जैसा, मतलब एकदम हॉट और डैशिंग, डैशिंग से एकदम स्मार्ट से वैसा लड़का भी, और ये मेकअप आर्टिस्ट है और मैं एक मॉडल हूँ। हम एक साथ एक को रखना चाहते हैं, एक ही हस्बैंड हमें, एक ही हस्बैंड चाहिए। भी हम करेंगे तो एक ही इंसान से करेंगे, एक ही से करोगे? हाँ जी, दोनों एक ही से करोगे? और, जी। और ये तो ये कि हम घर जमा ही रखेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि वो घर ले जाके हमें अलग करे या हमारा प्यार कम हो, क्योंकि हमारे पापा के पास ना बहुत पैसा है। मैम मैंने स्टार्ट कर दिया, तो मुझे आपका नाम और एज बताएं। मेरा नाम दिया है, 20 एज मेरी एज है जी। मेरा नाम सिया है, मैं 22 इयर्स की हूँ जी। आप में से बड़े कौन से हो? मैं बड़ी हूँ, ये छोटी है। ये छोटी है, अच्छा, दो साल का डिफरेंस है दोनों। जी जी जी। तो अभी आप अपनी मर्जी से बना रहे हो वीडियो, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो देखो, आप लोगों को पता है हम किस प्रकार की वीडियो बनाते हैं, तो इस चीज से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, कोई प्रॉब्लम। तो आप बताइए कि आपको अभी क्या चीज पसंद है, क्या चाहते हो, आपका ये वीडियो बनवाने का मकसद क्या है? हमारे को ना मतलब कोई भी चीज चाहिए ना, तो हम दोनों शेयर करते हैं। अच्छा, तो हमें एक ही चीज चाहिए जो कि हम दोनों आपस में मिलके शेयर कर चुके कर सके। अच्छा जी, चलो कोई ना। तो ऐसा है कि अगर आप एक पिज्जा लेके आएंगे तो दोनों हम लोग दोनों शेयर करके खाएंगे। अगर ऐसे आप, इन्होंने जी बड़ी वाली दीदी है आपका, इन्होंने मेरे को बताया था कि पापा एक बार पिज्जा लेके आए थे तो दोनों में झगड़ा हो गया, दो पिज्जा लेके आए थे ना वो। हाँ, तो हमने कहा था हमें एक ही चाहिए, हम एक ही में शेयर करेंगे, कपड़े वगैरह जो खाना पीना हम सब एक ही में शेयर करते हैं। भाई लोग, आप लोग ये वीडियो देख रहे, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि इन लोगों को कितना प्यार मोहब्बत है, कि भाई एक दूसरे की चीजों से खाने पीने का वो है, ठीक है, अलग अलग चीजें नहीं होती हैं। चलो ठीक है, अभी हम अपने काम की बात पे आते हैं, जिसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो अभी आप मुझे बताइए दिया और सिया जी, के अभी आप ये वीडियो बनाने का, सब लोगों को पता ही है, जैसा आप लोगों ने पहले ट्रेलर में देख लिया होगा कि ये लोग शादी करना चाहते हैं। यस जी, क्योंकि उम्र भी इनकी हो चुकी है, 20-22 साल दोनों की हो गई है। तो अभी आप मुझे बताएं आपको कैसा हस्बैंड चाहिए अपना? हमें हस्बैंड ऐसा चाहिए जो हमारे साथ रहे और उससे ना प्रॉब्लम ना हो। हम एक साथ एक को रखना चाहते हैं, एक ही हस्बैंड हमें, एक ही हस्बैंड चाहिए। शादी भी हम करेंगे तो एक ही इंसान से करेंगे, एक ही से करोगे? हाँ जी, दोनों एक ही से करोगे? जी। और ये तो ये कि हम घर जमा ही रखेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि वो घर ले जाके हमें अलग करे या हमारा प्यार कम हो, क्योंकि हमारे पापा के पास ना बहुत पैसा है। सीरियसली बताओ, मुझे खुद हंसी आ रही है। सर आप लोगों को हंसी आ रही है, बट ये हमारी ना लाइफ में हमने कुछ ऐसा बताइए, जैसे आपने पिज्जा वाली बात बताई, ऐसा कुछ मैम, जैसे ये कपड़े हम दोनों एक साथ शेयर कर लेते हैं, ये मेरे शेयर कर लेते हैं, मैं इसके शेयर कर लेती हूँ, और हम कहीं भी जाते हैं ना तो हम आपस में शेयर ही करते हैं। मैं पसंद है, बेड भी है, के टॉवल भी है, सब कुछ है हमारा। मैडम मैं आपको बता, पहले ये तो ये पहले कि हमारा एक बॉयफ्रेंड था, हम मतलब हमारा एक ही बॉयफ्रेंड, वो भी सही, वो भी हमारा एक ही था, एक ही बॉयफ्रेंड था, और उसे भी कोई दिक्कत, उसे कोई दिक्कत नहीं थी। तो देख लो भाई, इन लोगों का प्यार पहले बॉयफ्रेंड भी बनाया था इन्होंने, जो एक ही था, एक ही इन्होंने शेयर किया था, तो आप प्यार मोहब्बत इनका देख ही सकते हो। अभी इनका कहना है कि इन दोनों को एक ही हस्बैंड चाहिए, ठीक है जी। उसी के साथ शादी करेंगे दोनों। तो मैडम मंडप में फिर कैसे क्या सीन होता है? एक कोई बात नहीं, एक आगे आगे से फेरे लेगा, एक पीछे फेरे लेगा, बीच में वो चलेगा सर। चलो कोई ना, और हमें बेबी भी एक ही चाहिए। बिल्कुल, कोई ना, वो तो मतलब नहीं, ये टॉपिक भाई, ये टॉपिक बहुत वो है, क्यों चाहिए एक बेबी? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा प्यार बटे। बेबी वाली बात अगर है तो दो पेट है, तो दो जो पहले प्रेग्नेंट होगा उसका रखेंगे, और दूसरी प्रेग्नेंट होगी नहीं, क्यों? मैम बहुत सारी चीजें जरूरी थोड़ी ना, प्रेग्नेंट होगी नहीं, मतलब आप लोग ऐसा क्यों चाहते हो कि एक ही रहे? तो हम प्यार बढ़ जाएगा ना, इसलिए हम नहीं चाहते, हमने सोचा है हम एक ही चीज करेंगे, क्योंकि हम प्यार नहीं बांटना चाहते, नहीं चाहते। दो वाली बात कर रहे ना, कि जैसे दो बच्चा हो गया, कल को क्या पता अभी तक लड़ाई हुई, बच्चों के पीछे लड़ाई हुई, ये मेरे को प्यार नहीं हो रहा, इसको प्यार कर रहे हैं, वो चीज नहीं करना चाहते हम लोग। हमें चाहिए लड़का एकदम ऋतिक रोशन जैसा, मतलब हॉट और डैशिंग, डैशिंग से एकदम स्मार्ट से वैसा लड़का भी, और ये मेकअप आर्टिस्ट है, और मैं एक मॉडल हूँ। सो इसलिए हमें ऐसा चाहिए जो कि रोमांटिक, और पैसों की कोई टेंशन नहीं, हमारे पापा के पास बहुत पैसा है, बस वो हमारे साथ अच्छे से रहे और टाइम स्पेंड करे, मतलब दोनों के साथ। हाँ, तो शादी के बाद की क्या डिमांड है आप लोग? कोई डिमांड नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, मैं लड़के से तो कोई डिमांड नहीं है, बस हमें अच्छे से रखे, अच्छे से हमारी केयर करे, हमारे घर में रहे, बेसिकली हमारा मतलब घर में घर जमा ही बन के रहे। मैडम ऐसे तो कह रही है, तो आप लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है कि आपके घर में भी रहे, घर जमाई बन के रहे आपके पास, और तो मैम हम उससे काम नहीं करवा रहे ना, हमारे साथ रहे, हमें ये नहीं कहा कि हमें पैसा ला के रहे, हमें पैसों की जरूरत ही नहीं है। पैसों कैसा मिलेगा इस दुनिया में ऐसा लड़का, पैसों की आए ये बुरा निकालना भाई, अगर जो भी लड़का आएगा उसकी तो भाई किस्मत चमकने वाली है, जलवे करेगा, ऐश करेगा, उसको दो दो भी मिलना ही, इससे बड़ी बात क्या है भाई।
तो देख रहे हो आप लोगों के अंदर मतलब क्या है ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा आगे चल के लाइफ में? नहीं मैम, नहीं अभी तक हमने लड़ाई नहीं करी, तो आगे कैसे कर सकते हैं? जब भी तो हमें एक ही हस्बैंड चाहिए। आप मैनेज कैसे करोगे एक हस्बैंड को? कर लेंगे सर, अभी तक कर रहे हैं मैनेज, आगे भी कर लेंगे। बताओगे टाइम? वो तो टाइम बता देगा कि कैसे एडजस्ट करना है। ना कोई आपके कपड़े हैं जो एक दूसरे को चेंज करे, ये हस्बैंड वाली बात आ जाती है। ठीक है, फीलिंग्स होती है, रोमांटिक माने बहुत सारी चीजें। कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे सर। अब वो तो अंदर की बात है ना, वो एकदम से नहीं किसी के आगे बोली जाती ना। अंदर की बात नहीं बताना चाहते, आप खुद ही समझदार हो। सीक्रेट होता है सर बहुत से, जो की वो रखना चाहिए, प्राइवेसी होती है बहुत। नहीं तो फिर तो इसका मतलब ये है कि आप शर्माने वाली मॉडल हो। आपकी सारी चीजें बहुत अच्छी लगी। और ये बताओ मुझे, लड़के ने कभी किसी एक को मारा, हाथ उठाया, तो क्या करोगे तुम लोग? दोनों मिलके उसको मारेंगे। दोनों मारेंगे फिर तो। और क्या भाई, ऐसे कैसे? अब हाथ भी तो उठाना नहीं चाहिए ना लेडीजों पे। पति परमेश्वर होता है, लेकिन ये थोड़ा ना। और वो भी हम दोनों अच्छी बहनों पे, अगर एक के ऊपर उठाएगा तो हम दोनों तो बोलना ही बोलना है। घर के घरेलू काम वगैरह आपको कुछ आते हैं या फिर ऐसी मॉडल? नहीं होता है, हम काम के लिए कोई ना कोई, हमारी मेड लगी हुई है, हमें हाँ मेड लगी हुई है, हमें जरूरत ही नहीं है काम करने की। तो भैया ऑडियंस को थोड़ा क्लियर करके बताइयो कि काम वाम इनको नहीं आता, ये नहीं करते, सारी चीजें बता भाई। जी भाई, आप लोग जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये दोनों बहनें हैं सिया और दिया, उम्र इनकी 20 साल 22 साल है। ठीक है, और आप लोगों को बता दूं, दोनों शादी करना चाहती हैं। इनकी डिमांड है कि इनको एक ही हस्बैंड चाहिए, शादी करेंगी तो एक ही लड़के से करेंगी और उसी के साथ पूरी जिंदगी बिताएंगी। और दूसरी डिमांड ये है कि ये ओनली एक ही बच्चा पैदा करेंगे। अब देन डिपेंड करता है पहले कौन सी वाली प्रेग्नेंट होती है, छोटी होती है, बड़ी होती है, दिया होती है, सिया होती है, 20 साल की होती है या 22 साल की होती है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा क्या है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, इन दोनों से शादी करना चाहते हो, इन दोनों को खुश करना चाहते हो किसी भी प्रकार से, पैसे की किसी भी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है, इनको लड़के की एक ही डिमांड है, बढ़िया रोमांटिक सा हॉट सा लड़का। सारी बात तो हमने कर दी, जैसे यही पूछा इनकी फैमिली का क्या बैकग्राउंड है। हां जी, आप अपनी फैमिली के बारे में बताओगे? हमारी फैमिली में सब है, बट हम लोगों को ना अलग अलग वो मिले हुए हैं, हमें तो उस चीज की कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, हमारी फैमिली सब कुछ बोल रखा है जी, फैमिली को पता है, हम दोनों शेयर करके लेते हैं। तो मैडम आप मुझे एक बात बताइए, आपके अंदर जो भी है, एक ही साथ रहना, एक ही साथ खाना, एक ही कपड़ों को पहनना, एक दूसरे के साथ शेयर करना, कितना टाइम हो गया इसको, माने जब से आप पैदा हुए, जब ही से, क्योंकि आप ट्विन्स तो हो नहीं सर, जब से हमने होश संभाला है उसके बाद से हमें ये सब चीज हुआ है जी। जी नहीं गए, पता क्या था, क्योंकि सर बच्चे थे जब, तो पता ही नहीं होता ना, जब हमारा होश संभला, जब हम दोनों एक दूसरे के बगैर रहते ही नहीं है। जी जी। और इनका ये भी कहना है कि ये बाहर कभी, इन लोगों ने बाहर कभी दोस्त नहीं बनाया, सबसे बड़ी बात इनकी कोई एक दोस्त नहीं है, ये लड़की है और इनके लड़की दोस्त नहीं है, कोई भी नहीं है। लड़का बनाया था जैसा, हाँ वो तो बॉयफ्रेंड था हमारा, तो सब कुछ खत्म हो गया। हाँ, उसको क्यों मार के भगाया? उसको यूं मार के भगाया, वो पैसों से प्यार था उसे, हम दोनों बहनों से प्यार नहीं था कभी। वो मतलब वो कहता था कि हम दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। अच्छा अच्छा। और मैं मतलब डिमांड उसकी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा हमारे पास, जितना गोल्ड लोन था प्रॉपर्टी फ्रॉड करके ले गया, मोबाइल्स वगैरह थे हमारे पास, आईफोन वगैरह जो, वो सब ले लिए। ऐसा लड़का तो जाना ही अच्छी बात है, अब तो हमें शादी करनी है, हमें वो चाहिए जो हमें प्यार करे और हम दोनों को समझे। आपको ऐसा लड़का चाहिए जो आपको प्यार करे, ना कि आपके पैसों से, जी हमें समझे। हाँ जी, और क्या, जो भी भाई चीजें उन्होंने सारी कुछ आपके सामने खोल के रख दी है, कैसी है, क्या चाहिए, क्या खाना, क्या पीना, हर एक चीज भाई उन लोगों ने बता दिया है। ठीक है, अब अगर आपको ये चीज, इनकी सारी चीजें पसंद है, तो आप कमेंट कर सकते हो, अपना फोटो भेज सकते हो, डॉक्यूमेंट वगैरह बनेगा मैडम इस चीज के बारे में नॉलेज है आपको? हाँ हाँ बिल्कुल, हम एग्री हैं। हाँ बिल्कुल, आपका एग्रीमेंट होगा इस चीज को लेकर के, कोई भी लड़का आएगा पहले आपकी मीटिंग करा दी जाएगी कहीं पे भी, जो भी आप प्लेस चूज करोगे। ठीक है, देन उसके बाद आप उनसे बातचीत करके, जो भी अगर आपको लगता है कि भाई ये लड़का आपके लिए सही है, आपको टाइम भी दिया जाएगा 4 से 5 दिन का उसके साथ रहने का, खाने का, पीने का। ठीक है ना, क्योंकि एक ही दिन में तो हम लड़के को नहीं पहचान सकते ना कैसा क्या है वो। जी ठीक है, तो आपको हर एक चीज वो करा दी जाएगी और आप बढ़िया से पसंद करना। तो भाई लोग जो भी आ रहे हो कमेंट कर देना अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। ठीक है, और इन दोनों को भाई प्यार की जरूरत है, बहुत ज्यादा प्यार चाहिए लोगों को, अगर आप इनको दे सकते हो तो बिल्कुल आए और इनसे बातचीत करें, आपकी मीटिंग वगैरह करा देंगे, आपको यहाँ पे स्टाइल वगैरह शो हो रही होगी। ठीक है, तो आप फालतू लोग मैसेज और कमेंट ना करें, हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि आप लोगों के चक्कर में हमारा टाइम खराब होता है। ठीक है, बातचीत नहीं कर पाते हैं, हो सकता है भाई जिस लड़के को जरूरत है हम उससे बात नहीं कर पाते हैं, जो फालतू के लोग होते हैं उनसे बात करने में लग जाते हैं तो चीजें उससे खराब हो जाती हैं। ठीक है, तो कोई ना, अगर आप आना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, आइए, वेलकम है आपका। ठीक है, और भी मैडम आपको कुछ कहना है? जी नहीं, बस जो भी है हमारे में इंटरेस्ट लेता है
जी जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच वीडियो में आने के लिए, थैंक यू।